उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां यूपी में जनवरी में होंगे नगरीय निकाय चुनाव। तो जनवरी माह के शुरुआत में होगी चुनाव की तैयारी। नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने पर निर्देश दिए हैं, तो सभी जिलाधिकारियों को शासन से जारी हुए निर्देश। कार्यकाल समाप्त होने के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हुई है। नगर निगमों में नगर आयुक्त के पास होगा संचालन का चार्ज। तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां जनवरी माह के शुरुआत में होगी चुनाव की तैयारी। तो यूपी में नगरीय निकाय चुनाव जनवरी में होंगे। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां यूपी में जनवरी में होंगे नगरीय निकाय के चुनाव। जनवरी माह के शुरुआत में चुनाव की तैयारी होगी। नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने पर निर्देश जारी हुए हैं, तो सभी जिलाधिकारियों को शासन से निर्देश जारी हुए हैं। कार्यकाल समाप्त होने के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हुई है। तो नगर निगमों में नगर आयुक्त के पास संचालन चार्ज होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में जनवरी में होंगे नगरीय निकाय चुनाव। तो जनवरी माह के शुरुआत में होगी चुनाव की तैयारी। नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने पर निर्देश जारी हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को शासन से निर्देश जारी हुए हैं। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां यूपी में जनवरी में होंगे नगरीय निकाय चुनाव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां यूपी में जनवरी में होंगे नगरीय निकाय चुनाव। जनवरी माह के शुरुआत में होगी चुनाव की तैयारी। तो नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने पर निर्देश जारी हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को शासन से जारी हुए हैं निर्देश। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां यूपी में जनवरी में होंगे नगरीय निकाय चुनाव। तो जनवरी माह के शुरुआत में चुनाव की तैयारी होगी। आपको बता दें कि नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने पर निर्देश जारी हुए हैं।